आओ भारत। हाँ। जोरदार तालियां होनी चाहिए यहाँ सबके लिए, बिकॉज अब सबसे हम थोड़ी वार्तालाप करना चाहेंगे। वैसे तो आपने आपकी अदालत देखी होगी, लेकिन आज हम बाप की अदालत पेश करने जा रहे हैं, क्योंकि चैनल ने कहा किसी को भी खड़े कर सकते हैं, हम तुम्हारे साथ हो, तो ये बाप की अदालत है। बिल्कुल। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बुलाना चाहेंगे वन एंड ओनली मीका पाजी। जोरदार तालियां मीका पाजी के लिए। पाजी आइए प्लीज, पाजी पाजी वी लव यू, आइए पाजी। आप, मैं जो कुछ कहूंगा बिल्कुल झूठ कहूंगा, और झूठ के अलावा कुछ भी नहीं कहूंगा। सब लोग कहते हैं कि आप मतलब हमेशा पार्टीज में जाके मस्ती करते हैं, मस्ती में समझ गए ना कौन सी मस्ती। आप पे लांछन है, आप इसका जरा सफाया करें, ऐसा क्यों है? अच्छा देखो, मेरी दो चार फ्रेंड्स हैं यहाँ पे, रोशनी है, गौहर खान है, मंदिरा, फेवरेट मंदिरा मेरी, ये तीनों इतनी खूबसूरत लड़कियां बैठी हैं। एक मिनट पाजी, सुंदर लड़कियों को आपने कह दिया मेरी फ्रेंड, बाकी सारी अंडे बेचने आई है। सारी आपको इतना प्यार करती है, बाकी सारी मिनिस्ट्री है। अच्छा आप तीनों बताओ, आप मुझे 15-16 साल से जानते हो, कभी आपको लगा कि मैंने कोई ऐसी हरकत आपके साथ करी? सच बताना। यू कैन टेक द माइक। मैं पूछना चाहूंगा, आप बताएं कि आपको कभी भी ये पता चला कि मीका पाजी आंख के अंदर से कहां देख रहे हैं, चश्मे के अंदर? कभी भी आप इन्हें पकड़ पाई? मैं जानना चाहता हूँ। ट्रूथ एक्चुअली इनकी रेपुटेशन जैसी है, ये ऐसे नहीं है बिल्कुल भी। He's really a lovely guy. He's the life of every party. अच्छा कमाल के रेपुटेशन, मतलब रेपुटेशन ऐसी है कि इंडिया की सबसे महंगी गाड़ियां मेरे पास है, सबसे ज्यादा पैसा मैं कमाता हूँ, रेपुटेशन मेरी ये बता रहा है मुझे। वाओ, सबसे ज्यादा शोज करता हूँ, सबसे ज्यादा गाने हिट देता हूँ, फिर भी मुझे रेपुटेशन बताने की जरूरत है। थैंक यू। मैं बताना चाहता हूँ, रेपुटेशन आपकी बहुत अच्छी है। गौहर, आप कुछ कहना चाहेंगी, बताना चाहेंगी? यू आर अ रॉक स्टार, ये लोग सिंपली बदनाम कर रहे हैं। थैंक यू रोशनी, थैंक यू गौहर। जो कोई कुछ भी कहे, पाजी को बदनाम नहीं कर सकते भैया, सिंग इज किंग। जोरदार तालियां पाजी के लिए होनी चाहिए पाजी। लेकिन सभी कहते हैं कि आप बिल्कुल कोई धार्मिक गाना नहीं गाते, तो आज पाजी हो जाए फिर? बिल्कुल जी, देखो खंडा पहन के हमेशा रखता हूँ, फिर भी धार्मिक गाना गाता हूँ। ओके पाजी, हमने आपको शॉल दी है। एक्चुअली सब लोग चाहते हैं कि एक बार आप चश्मा उतार के सबको दिखाएं कि असल में ये है हमारे मीका पाजी। क्या बात है पाजी, वी लव यू पाजी। ये महंगा यार पहनना बता। दे दो, मालिक मालिक होते हैं, नौकर नौकर होते हैं। दे दो भाई। और फिर मुझे सिगरेट पीने के लोग मना करते हैं। ओके, वेलकम ऑल टू लाइफ ओके स्क्रीन अवार्ड्स 2014। अवार्ड फंक्शन जो होते हैं उसमें हम अपनी ग्रेटफुलनेस दिखाते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं, थैंक यू कहते हैं अलग अलग लोगों का जिन्होंने हमें उस साल में एंटरटेन किया है, एक्टर्स एक्ट्रेसेस का उनके टैलेंट के लिए, प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स का कि अलग अलग विभिन्न किस्म की फिल्में उन्होंने हमारे लिए तैयार की हैं रिस्क लेकर, और ऑब्वियसली एज ए शो के ऑर्गेनाइजर्स का भी मैं बहुत तहे दिल से थैंक यू कहूंगा, क्योंकि मुझे बहुत पैसे मिलते हैं जब मैं ये होस्ट करता हूं। और आज हमारे पास लाइफ ओके के पास और स्क्रीन के पास बहुत सारे खत आए हैं ऐसे ही थैंक यू कहने के लिए उन लोगों का जिन्होंने 2013 को मेमोरेबल बनाया। तो हमारे पोस्टमैन है लाइफ ओके स्क्रीन अवार्ड्स के स्पेशल पोस्टमैन है गोपाल जी, थैंक यू गोपाल जी, मुझे खत दे दीजिए। ओके, तो पहला खत जो आया है को आया है बीवी बाला सुब्रमण्यम चिन्ना स्वामी मुथु का चेन्नई से, और ये लिखते हैं कि मैं रोहित शेट्टी का बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहती है, क्योंकि जब मैं स्टार्ट की थी तो मेरे पास एक छोटी सी लुंगी की दुकान थी, और जब भी चेन्नई एक्सप्रेस आ गई तो उसके बाद मेरी लुंगी का छोटा सा स्टॉल इतना बड़ा हो गया कि अब मेरे पास है एक लुंगी का मॉल। वी डोंट इवन रियलाइज, लेकिन हमारी फिल्मों से लोगों का जिंदगी कितनी बदलती रहती है देखिए। और दूसरा लेटर मेरे पास आया है मिसेज हरिंदर कौर का, ये लिखती हैं कि मेरे चिंटू मिंटू सिंह जो बच्चे हैं हमेशा नान और बटर चिकन खा के बहुत मोटे हो गए थे, 120 किलो के हो गए थे, ये हैं चिंटू, इनके छोटे से बच्चे हैं। लेकिन इन्होंने फरहान अख्तर और राकेश मेहरा की मिल्खा सिंह देखी तो उससे प्रेरित होकर ये एक्सरसाइज करने लगे और 120 किलो से घटकर ये हो गए 118 किलो। ऑलराइट, लेकिन कोशिश जारी रखेगा हरिंदर कौर जी, और मैं राकेश मेरा और फरहान अख्तर से दरखास्त करूंगा कि प्लीज यार, इतनी खूबसूरत फिल्म तुमने बनाई है,
पार्ट टू तुम्हारे दिल में बनाना हो या ना होना, लेकिन मिसेस हरिंदर कौर के लिए पार्ट टू जल्दी से बना दो कि मिल्खा भागता रहे, कि और भी वेट लूज करें, क्योंकि इट वॉज वन ऑफ द मोस्ट इंस्पायरिंग फिल्म्स। लेट्स हियर इट फॉर भाग मिल्खा मार्क एवरीवन। तीसरा लेटर है रणवीर सिंह के नाम पे। ये लेटर थोड़ा सा गुस्से वाला है। इसमें लिखा है उन्होंने कि रणवीर सिंह जी, आपका गाना ततड़ ततड़ हमें बहुत पसंद आया। हम हर पार्टी पे, हर डिस्को में, हर बर्थडे पे ततड़ ततड़ अपने बालों को ऐसे खुजा खुजा के एंटी डैंड्रफ एड की तरह करते रहते हैं। लोग बड़े खुश होते हैं, सामने से बहुत अच्छा लगता है, लेकिन पीछे से इस गाने में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। अब हम अवार्ड्स का सिलसिला शुरू करते हैं। अगला अवार्ड है बेस्ट स्टोरी के लिए। एंड टू गिव अवे दिस अवार्ड, आई लाइक टू इनवाइट ऑन स्टेज माय फ्रेंड अतुल अग्निहोत्री एंड माय फ्रेंड दिव्या दत्ता। गुड इवनिंग एवरीवन, इट्स अ प्रिविलेज टू गिव द अवार्ड फॉर द बेस्ट स्टोरी। वेल, द अवार्ड फॉर द बेस्ट स्टोरी गोज टू मोहन सिक्का फॉर बीए पास। I can't believe it. Thank you, Ajay Bal, and all the cast and crew of BA Pass. Thank you, Ajay, for giving my story vision in the world. Thank you, Mohan Saab, and keep on rocking. And thank you, Atul, and thank you, Divya. अगला अवार्ड है बेस्ट स्क्रीन प्ले का, और इस अवार्ड को देने के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा स्टेज पे कुणाल खेमू और वाणी कपूर को। गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन। गुड इवनिंग एवरीवन। सो द अवार्ड फॉर द बेस्ट स्क्रीन प्ले गोज टू फुरा असरानी फॉर शाहिद, फॉर द फिल्म शाहिद, बेस्ट स्क्रीन प्ले। कंग्रेचुलेशंस समीर, हंसल एंड अपूर्वा। I wanted Sameer and Appu to talk, लेकिन पता नहीं इसके आगे मौका मिलेगा कि नहीं, तो मैंने सोचा मैं ही बोल देता हूँ। हमारी फिल्म का एक डायलॉग था कि वक्त लगता है पर हो जाता है, तो यही है, वक्त लगा है। मैं 15 साल से स्क्रीन अवार्ड जा रहा हूँ और मेरे सारे दोस्त जीतते जाते हैं, तो ये मेरा पहला अवार्ड है, तो थैंक यू। नेक्स्ट अवार्ड इज द बेस्ट डायलॉग। डायलॉग्स के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे प्रेजेंटर्स को, जो हैं विवेक ओबेरॉय एंड स्मिता ठाकरे जी। नमस्कार। एंड द अवार्ड फॉर द बेस्ट डायलॉग गोज टू समीर गौतम सिंह फॉर शाहिद। The dialogues, the actors, I couldn't have done it without them. It was improvised quite a bit, and you guys added up to whatever vision we had and Hansel sir had. So thank you so much. Thank you. This is for the team. हमारे नेक्स्ट अवार्ड हैं फॉर द बेस्ट एंसेंबल कास्ट फॉर 2013, और एंसेंबल कास्ट को अवार्ड देने के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा काजल अग्रवाल एंड गुलशन ग्रोवर को। एल पचीनो से नाम अगर कोई पहला है तो वो गुलशन ग्रोवर का है। बैड मैन। लव यू, थैंक यू। एंड द अवार्ड फॉर बेस्ट एंसेंबल कास्ट क्लब 60 संजय त्रिपाठी। मुझे सही सही नहीं मालूम है अगर कोई और फिल्म फारूक साहब ने की हो, लेकिन जहां तक मेरा ज्ञान है, जहां तक मुझे मालूम है, क्लब 60 अनफॉर्चुनेटली शायद उनकी आखिरी फिल्म थी जो उन्होंने की है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जूरी, थैंक यू स्क्रीन। एक छोटी फिल्म को आपने बड़ा कर दिया। हम सबकी तरफ से ये अवार्ड में फारूक साहब के लिए एक्सेप्ट करना चाहता हूँ। फारूक साहब, दिस इज फॉर यू। हमारा अवार्ड फंक्शन जो है, इट इज सेलिब्रेटिंग द हीरोज। व्हेन आई से हीरोज, आई मीन वो लोग जिन्होंने इस साल में एंटरटेनमेंट में
ऐसा काम किया, ऐसा जलवा दिखाया कि जिससे हम लोगों को ज्यादा खुशी मिली है। और इस हीरो सीरीज में पहले हीरो को मैं आपके सामने आमंत्रित करने वाला हूं, एक ऐसे सिंगर, एक ऐसे म्यूजिक क्रिएटर डायरेक्टर जिन्होंने